हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। सो टुडे वी हैव टू स्टडी अवर फर्स्ट लेसन फ्रॉम स्टैंडर्ड 7 कंप्यूटर बुक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। माय नेम इज निखिल पाटिल, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। The four basic arithmetic calculation types are addition, subtraction, multiplication and division। मतलब चार प्रकार के arithmetic calculation होते हैं, वो सबको ही पता है या early class में आपने पढ़े ही होंगे। वो है addition, subtraction, multiplication and division। Okay? In the mathematics they are contained। Scientist and engineer too many more types of calculation। Scientist and engineer इसके अलावा भी बड़े बड़े बहुत सारे calculation करते हैं, ठीक है। इन जनरल हाउ एवर द एडिशन ऑपरेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। मतलब इन्होंने सब में हम एडिशन जो है एक सिग्निफिकेंट रोल उसका प्ले करता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है उसका। दिस इज द मोस्ट इजिली सीन इन द लॉन्ग सीरीज ऑफ एडिशन डन बाय ट्रेडर्स कंपनीज एंड बैंक्स कीप देयर अकाउंट्स। हमने बहुत बार ही देखा है कि बैंकों में बड़े बड़े कंपनीज में या बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग जो है वहाँ पे एडिशंस लॉन्ग सीरीज के लिए लॉन्ग टाइम के लिए करते ही रहते हैं टू कीप देयर अकाउंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर द वर्क्स ऑफ देयर एडिशंस। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज अर्ली कैलकुलेटिंग एड्स। मतलब पहले कैलकुलेशन किससे हुआ करते थे, मतलब कैसे करते थे कैलकुलेशंस। तो देखते हैं, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग एड वॉज द एबाकस। मतलब फर्स्ट जो कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कराया करते थे, वो फर्स्ट एड क्या था? एबाकस। इट वॉज प्रॉबली इन्वेंटेड इन इजिप्ट। वो इजिप्ट में इन्वेंट किया गया था अबाउट 2500 ईयर्स आगे। मतलब 2500 ईयर के पहले वो इजिप्ट में किया गया था, ढूंढा गया था। उसका नाम है एबाकस, ठीक है। बट इट कम टू बी वाइडली यूज बाय द शॉपकीपर्स टिल द रिसेंटली। मतलब वो ढाई हज़ार साल पहले से ही इन्वेंट किया गया था, लेकिन अभी भी एट प्रेजेंट में 2020 में भी शॉपकीपर उसका यूज़ करते हैं फॉर द इजी कैलकुलेशंस। ओके, फॉर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पर्टिकुलरली इन चाइना। मतलब चाइना में हुआ करता है, मतलब और जापान में भी। देखिए आगे लिखा है जापान एंड अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। मतलब चाइना में, जापान में और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में भी उसका यूज़ अभी भी होता है। इन दिस कंट्री द लोकल नेम ऑफ एबाकस मीन्स द काउंटिंग ट्रे। ये जो देश है उसमें लोकल नेम एबाकस का क्या है? काउंटिंग ट्रे, ठीक है। या एबाकस का तो इजिप्ट में नाम गिरा था, ये जो बाकी के कंट्रीज है उसमें जो यूज़ हो रहा है उसमें क्या नाम है? काउंटिंग ट्रे। द एबाकस हैज़ अ सेवरल रोज ऑफ रॉड्स इन टू डेक्स एंड मल्टी कलर लीड स्टंक्स ऑन देम। एबाकस जो रहता है वो देखिए, ये नीचे दिया हुआ है एबाकस का, ये पिक्चर दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ रहता है छोटे छोटे से एक मनी दिए रहते हैं, और वो बड़े बहुत बहुत सारे कलर के दिए होते हैं, और टू डेक्स रहते हैं उसमें, और रॉड्स में वो कैलकुलेट करने के लिए इजी टू कैलकुलेट रहते हैं, इसके लिए वो यूज़ अभी भी होते हैं, ठीक है। इन 1612 द स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर डिवाइज अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रॉड्स फॉर अ क्विक मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। इन 1612 द स्कॉटिश मैथमेटिशियन, जो मैथमेटिशियन था जॉन नेपर करके, उसने कैलकुलेटिंग रॉड्स, मतलब ये जो एबाकस में कैलकुलेटिंग रॉड जो लिए हुए हैं उसका यूज़ फॉर क्विक मैथमेटिक्स एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए उसने इन्वेंट किया था, ठीक है। दे वेयर स्क्वायर इन अ क्रॉस सेक्शन एंड सेट कंसिडर्ड ऑफ अ 9 रॉड्स नंबर फ्रॉम 1 to 9। मतलब उसने उस स्क्वायर को क्रॉस सेक्शन में रखा था और उसके 9 रॉड के एक एक सेट करके नंबर्ड करा था उसका 1 to 9। दे वेयर मोर कॉमनली नोन एज द नेपियरस बोन्स। उसको जो उसने जो थ्योरी बताई थी उसको जनरली नेपियरस बोन कहते हैं। एक्चुअली ही यूज देम टू कैलकुलेट टेबल्स ऑफ अ नंबर। मतलब एक्चुअली वो जो काउंट करता था, इसने ये इन्वेंट किया था, वो बेसिकली कैलकुलेट फॉर द टेबल्स ऑफ नंबर के लिए उसने वो यूज़ करा करता था, नोन एज द लॉगरिथम टेबल्स। लॉगरिथम टेबल जो रहते हैं उसके लिए दैट कैन बी यूज फॉर द मल्टीप्लीकेशन डिविजन रैपिडली। उसने जो किया था, वो जो नेपियर बोन्स किया था, वो बेसिकली यूज़ करने के लिए होता था मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन रैपिडली, वो फटाफट से करने के लिए, जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस मैथमेटिक्स
ऑफ अ नेपियर विलियम ऑकर्ट इन्वेंटेड अदर कैलकुलेटिंग एट कॉल एज अ स्लाइड रूल। मतलब बाद में नेपियर बोन्स के बाद में स्लाइड रूल निकाला गया था। स्लाइड रूल किसी ने निकाला गया था तो विलियम ऑकर्ट इन्वेंटेड अदर कैलकुलेट विलियम ऑकर्ट ने निकाला था। स्लाइड रूल हैज़ अ फोर स्केल्स टू फिक्स एंड टू स्लाइडिंग अलॉन्ग साइड देम। ये जो है देखिए ये दिया हुआ है, ये डेढ़ टू स्केल्स दी हुई है। ये जो इमेज में है आपके पास बुक होना तो आप इमेज में देख सकते हो। द स्लाइड हैज़ अ फोर स्लेस टू फिक्स एंड अदर्स टू साइज अलॉन्ग देम अलॉर्निक टेबल एंड द स्लाइड रूल्स यूज फॉर द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एज वेल एज स्टूडेंट्स टू एड सब्ट्रैक्ट। ये जो बाजू की जो टू फिक्स्ड स्लाइड्स अलॉन्ग देम जो दी हुई है ये यूज़ करती है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। फाइंड स्क्वायर रूट्स में भी यूज़ किया करते हैं। दिस यूज फॉर द डिक्लाइन अदर चीप हैंडेड कैलकुलेशन बिकम अवेलेबल ऑन द 1970s। मतलब 1970s के तक मैथमेटिशियंस अपने कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज़ किया कर। तो सेकेंड पॉइंट है कैलकुलेटिंग मशीन्स। कैलकुलेटिंग मशीन मतलब कैलकुलेशन वो मशीन में होता है वो कौन सी रहती है। कैलकुलेटिंग मशीन्स लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेशन मशीन आर दोज दैट आर एबल टू कैरी आउट ऑफ फोर बेसिक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन टाइप्स ग्रेट स्पीड। मतलब जो अर्थमेटिक चार ऑपरेशन रहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, उसका जो कैलकुलेशन रहता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन वो स्पीड में जो कर सकता है उसमें कैलकुलेशन मशीन क्या करते हैं कैलकुलेशन में करा करते हैं। पीपल्स लाइक अ शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स एंड बैंकर्स हु डू लेजेंडली एडिशन डेली नीडेड ऑटोमेटिकली मशीन्स। मतलब जो शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स एंड बैंकर्स जो लेंदे लेंदे एडिशन किया करते हैं रोज़ में, उसके लिए ये कैलकुलेटिंग मशीन जो ऑटोमेटिक मशीन्स रहती है कैलकुलेशन की वो यूज़फुल होती है फॉर द ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हुआ करता है उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगा के ये नहीं लेता, अपना कैलकुलेटर लेता है। कैलकुलेटर में जैसे आप ये भरेंगे, नंबर्स भरेंगे, एडिशन करा दो दो तीन बार, कितने भी करेंगे तो आंसर मिलेगा ही आपको, ठीक है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दिस मशीन हैव द फीचर ऑफ द ऑटोमेटिक टेंस कैरी ओवर। मतलब टेन नंबर तक वो उसका कैलकुलेशन बता सकता है आपको, ठीक है। इन 1647 द फ्रेंच मैथमेटिशियन बेसिक ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड अ स्मॉल मशीन द नेम ऑफ द शू बॉक्स द काउंट एड एंड सब्ट्रैक्ट। इन 1947 जो फ्रेंच मैथमेटिशियन था बेस पास्कल इन्वेंटेड एक मशीन इन्वेंट किया उसने, और जो शू बॉक्स इतनी ही थी उसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ करते थे। टू हेल्प हिज फादर हु हैज़ अ बिजनेस जो उसके फादर के लिए हेल्प में आता था, उनका जो बिजनेस था उसमें हेल्प आता था। वो जो उसने वो डब्बा बनाया था शू बॉक्स, उसको क्या कहते थे, पास्कलाइन। इट वॉज अ कॉल द पास्कलाइन। ही वॉज ओनली 19 एट दैट टाइम इन द 19 साल का ही था तब उसने बना दिया था वो डब्बा। इन 1672 द जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रिड लेबनीज़ इन्वेंटेड अ कैलकुलेटिंग मशीन विच कुड एडिशन सब्ट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लाई। जर्मन मैथमेटिशियन जो था गॉटफ्रिड और लेबनीज़ है उसने इवेंट एक कैलकुलेशन मशीन की, उसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन तो होता ही था, उसमें डिवीजन और मल्टीप्लाई भी होता था और स्क्वायर रूट भी निकाला करते थे। इट वॉज कॉल्ड एज द स्टेप रेकनॉर, उसको क्या कहते हैं स्टेप रेकनॉर। सब्सिक्वेंटली मोर देन द 1500 टाइप्स ऑफ द कैलकुलेटिंग मशीन वेयर मैन्युफैक्चर बाय कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग अपॉन द पास्कल्स एंड लेबनीज मशीन। मतलब 1500 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन मशीन इन्वेंट हुए बाद में जब पास्कल और लेबनीज मशीन का जो था, उसके बाद में 1500 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन मशीन इन्वेंट हुए, ठीक है। बिटवीन द 1872 एंड 1975 देर वॉज अ स्टेडी डेवलपमेंट ऑफ द कॉमनली सक्सेसफुल मशीन कैलकुलेटर्स। मतलब 1872 से 1975 के बीच में जो मशीन्स बनाए गए वो मोर कैलकुलेटेड, मोर परफेक्टली थी, मोर एक्यूरेट आंसर दिया करती थी। दिस मशीन हैज़ अ कीबोर्ड विद अ नंबर कीज एंड कीज ऑफ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन एज वेल एज द प्रिंटिंग कैपेबिलिटीज। देखिए ये पास्कलाइन था, पहली जो इमेज है वो पास्कलाइन थी, उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन था सिर्फ बस। और ये था लेबनीज़ वाला, इसमें एडिशन हुआ करता था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट भी निकाला करते थे। बाद में निकाला वन ऑफ द लास्ट मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स निकाला गया था, बहुत सारी निकाला गया था। तो 1872 से 1975 में बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर्स को इन्वेंट किया गया था और परफेक्टली किया गया था। तो तीसरा पॉइंट है अपना मैकेनिकल एंड एनालॉग कंप्यूटर। मैकेनिकल मतलब जो मशीनरी वाला रहता है, और एनालॉग मतलब जो एनालॉग अपना वॉइस देखा है उसकी जैसा एनालॉग कंप्यूटर्स।
A calculator is let's start. A calculator is designed to do specific calculation. तो calculator किसी के लिए बनाया गया, तो specific calculation होता है calculator में, इसके लिए calculator बनाया गया. The computer differs from the calculators in its ability to perform any calculation simplify by changing the store program. मतलब तो computer में क्या रहता है, computer में भी calculator रहता है, calculator लेता है, लेकिन वो जो stored program रहता है, मतलब जो पिछला वाला हमने कुछ तो कैलकुलेशन करा होगा, वो स्टोर होता रहता है, उसको हम रीजनरेट पे कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द डेफिनेटली फीचर ऑफ द कंप्यूटर. ये जो फीचर है ये सिर्फ कंप्यूटर में मिलेगा आपको, सिंपल कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा ये फीचर. ये फीचर अपना कैलकुलेटर कंप्यूटर में मिलेगा. इन द सेंस इन अर्लियर, मतलब अभी प्रेजेंट में ऐसे ऐसे कैलकुलेटर भी निकले हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए, मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग को लगते हैं, उसमें स्टोर किया जा सकता है डेटा. ठीक है, चार्ल्स बैबेक अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन वॉज द फर्स्ट टू डिज़ाइन ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस. मतलब प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस उसने कैलकुलेटिंग जो करता था, अपने जैसे देखा कि स्टोर डेटा करता था, वैसा 1832 में इन्वेंट किया. इट्स डिज़ाइन हैज़ अ मेनी फीचर्स सिमिलर टू दोज इन अ मॉडर्न कंप्यूटर्स. उसके जो फीचर्स थे उसका सिमिलर था कि मॉडर्न कंप्यूटर से भी सिमिलर थे. ठीक है, एंड इनपुट डिवाइस से भी सिमिलर क्या करते थे. इनपुट डिवाइस से यूनिट ऑफ मैथमेटिशियन कैलकुलेशन, मतलब इनपुट डिवाइस जो रहता है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, उसके यूज़ के लिए वो होता है. ठीक है, अ कंट्रोल यूनिट भी रहता है, अ मेमोरी एंड आउटपुट यूनिट. मतलब उसमें इनपुट यूनिट रहता है, मैथमेटिशियन यूनिट फॉर मैथमेटिक कैलकुलेशन रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, मेमोरी यूनिट रहता है, आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं. जो उसने मशीन निकाला था उसने 1985 में. ठीक है, टू फीड नंबर्स इनटू द मशीन द डिवाइस वाज अ यूज्ड पंच कार्ड और स्टीफ पेपर विद द होल्स पंच एट द फिक्स पॉइंट. मतलब उसमें नंबर डालने के लिए, डाटा इंस्ट्रक्शन डालने के लिए उसमें पंच कार्ड और स्टीफ पेपर यूज़ होता है. ठीक है, तो होल पंच करके फिक्स पॉइंट का बैबेज यूज़ कर सकते हैं. बैबेज कुड नॉट गेट द गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर हिज मशीन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 50,000 एंड मोर पार्ट्स ऑफ एनालिटिकल इंजन नेवर बिगन. मतलब बैबेज को गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था वो मशीन बनाने के लिए. उसको 50,000 एंड मोर पार्ट्स, 50,000 के भी ऊपर से ज़्यादा से पार्ट उसको एनालिटिकल इंजन में बिगन करने वाला था, लेकिन नेवर लेस ही नोन एज द फादर ऑफ हिज कंप्यूटर. नेवर लेस मतलब उसने ही नोन दैट फादर ऑफ द कंप्यूटर, मतलब उसके फादर का जो कंप्यूटर था उसको उसने नोन कर दिया. ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल यूजेस ऑफ द कंप्यूटर वॉज द ह्यूमन होलोरिथ कैलकुलेटर मशीन बाय द यूएस सेंसिस ब्यूरो 1890. मतलब जो फर्स्ट कमर्शियल यूज़ के लिए कंप्यूटर बना था वो हर्मन हेरिटेज मशीन बना था बाय यूएस सेंसिस ब्यूरो इन 1890. होलोरिथ मशीन ऑल्सो यूज फॉर द पंच कार्ड, उसमें भी पंच कार्ड यूज हुआ करता था टू फीड द कैलकुलेटर डेटा इनटू मशीन्स. ओके, होलोरिथ कंपनी लेटर इन 1924 बिकम द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. उसने जो होलोरिथ कंपनी जो थी उसने 1924 के बाद उसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स गिर गया. मतलब जो IBM है अभी MNC मल्टीनेशनल कंपनी जो है IBM करके, उसका नाम गिर गया था. वो पहले होलोरिथ कंपनी थी. ठीक है, कंप्यूटर्स बिल्ड बिफोर द 1914 वेयर द इलेक्ट्रिकल एनालॉग कंप्यूटर्स. द कंप्यूटर्स बने थे बिफोर 1940 वेयर इलेक्ट्रिकल एनालॉग कंप्यूटर थे. एनालॉग कंप्यूटर थे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले. एंड एनालॉग कंप्यूटर वेयर कंटिन्यूस वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड द करंट्स टू रिप्रेजेंट द नंबर. मतलब जो कंप्यूटर में कंटिन्यूस वेरिएशन हुआ करते थे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के एंड करंट के टू रिप्रेजेंट द नंबर रिप्रेजेंट के लिए. ओके, द डिजिटल कंप्यूटर बिकम अ कॉमन आफ्टर अ फर्दर लॉन्ग सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन सच एज द वैक्यूम ट्यूब्स मैकेनिक कोर्स मेमोरीज. मतलब जैसे जैसे डिजिटल कंप्यूटर्स आते गए वहाँ उसमें भी बढ़ोतरी होती गई टेक्नोलॉजी में, इन्वेस्टमेंट होके गए. सच एज द वैक्यूम ट्यूब्स बनाए, मैग्नेटिक कोर मेमोरी बनाई, ट्रांजिस्टर लेजर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए और बनाते ही गए. अभी भी न्यू इन्वेंटेड डिजिटल कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में न्यू इन्वेंशन होते ही जा रहे हैं. अलग अलग वाले बड़े बड़े वाले फीचर्स के कंप्यूटर्स और वो आ रहे हैं. ठीक है, ईच ऑफ दिस इनोवेशन रिजल्ट्स इन अ प्रोडक्ट दैट स्टिमुलेट इन न्यू एप्लीकेशन एंड द न्यूअर मशीन्स. मतलब ईच ऑफ दिस इनोवेशन, जो इनोवेशन हो रहा है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट स्टिमुलेटेड न्यू एप्लीकेशन. मतलब न्यू एप्लीकेशन इन्वेंट कर रहे, न्यू एप्लीकेशन हमको दे रहे
और न्यूअर मशीन, न्यूअर मशीन्स मतलब वो स्मॉल स्मॉल करके मतलब थिन मशीन्स बना रहे हैं, मोर फंक्शनिंग एंड थिन मशीन्स दे आर इन्वेंटेड इन देयर अर्ली पीरियड. ओके, सो थैंक यू, वी विल सी इन टू नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट. ओके, बाय.